पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा, उत्तराखंड राज्य बना है, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब बात है उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तराखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री में नशे के खिलाफ धामी अभियान भी शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौगमुख निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, असम में, ठीक है ना। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने गौगमुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। अब बात है असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है असम की कैपिटल। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें तो गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर है। असम में राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है, ठीक है ना। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षा पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14447 भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने इलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट होगा, महाराष्ट्र राज्य, ठीक है ना। तो अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? रमेश वैस यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन क्या है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा, चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा, जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में महामारी के बाद सामाजिक उथल पुथल का सामना किया, उनकी 6 फरवरी को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 74 वर्ष थी। अब बात है चिली देश की, तो ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो यहाँ की कैपिटल है। और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो ग्रैब्रिलियन बोरिक यहाँ के राष्ट्रपति है। करेंसी की बात करें तो पैसो यहाँ की करेंसी है। छठवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट होगा, नासा ने, ठीक है ना। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार एक सुपर अर्थ नामक ग्रह की खोज की गई है। इसको लेकर संभावना है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। यह पृथ्वी से 100
37 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह को TOI 715 नाम भी दिया गया है और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। नासा के अनुसार इसकी सतह पर पानी हो सकता है। अब बात है नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, नीमा सरिखानी। 7 फरवरी को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू की तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, हिमाचल प्रदेश। अब बात है हिमाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, पहला है शिमला, दूसरा है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुखू यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट गोला बारूद किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा, सी ऑप्शन राइट होगा। रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने और म्यूजिशियन इंडिया लिमिटेड ने 155 स्मार्ट गोला बारूद के विकास में अग्रणी बढ़ने के लिए एकजुट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में ओल्जाश बैक्टेनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, कजाकिस्तान। तो बात है कजाकिस्तान की, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना है यहाँ की कैपिटल। करेंसी क्या है? काजिस्तानी टेंगे। प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार टोकायेव यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। अब प्राइम मिनिस्टर तो यही बने हैं, ओल्जास बैक्टेनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सातवें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए दे राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बानीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार झा को, सी ऑप्शन राइट होगा, ये है रवि कुमार झा जिन्हों इनको LIC म्यूचुअल फंड का MD तथा CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा, प्यारेलाल शर्मा। ये हैं प्यारेलाल शर्मा, प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को 8 फरवरी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार LSubramaniam और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। यह नया कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, इसे आसान बनाने के बारे में है जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक पैसे नहीं है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ के मार्केट कैप को हासिल किया है? ऑप्शन ए राइट होगा जिंदल स्टील, ऑप्शन बी राइट होगा विशाल मेगा मार्ट, ऑप्शन सी राइट होगा टाटा ग्रुप, या ऑप्शन डी होगा अदानी इंटरप्राइजेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें व अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 को आप फॉलो कर सकते हैं तथा डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।